एक भाई कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मस्जिदें बंद हैं और जुमा की नमाज छूट रही हैं, तो क्या इसका कुछ कफ़ारा होगा या गुनाह होगा? देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन दिया है, ये दीन नहायत ही पाकीज़ा दीन है और ज़िंदगी के हर मरहले में हमारी रहनुमाई करता है और हमारे मसाइल के साथ साथ रहता है। यानी हम अगर परेशानी में हो तो हमारा दीन हमारा साथ देता है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह ताला ने दीन में किस तरह की कोई तंगी नहीं रखी है। और अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करता। ये नुसूस ये बताते हैं कि अगर हम किसी भी काम को मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह हमारा मुआखदा नहीं फरमाता। जुमा के बारे में ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तरक थलाथ जुमाइन तहाउनन बिहा तबा अल्लाहु अला क़ल्बिही, कि जो आदमी तीन जुमा को लगातार सुस्ती करते हुए छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मार डाल देता है। लेकिन वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा मरिद अल अब्द औ साफर कुतिबा लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहा, एक बंदा अगर बीमार पर जाए या सफ़र पर हो तो इकामत की हालत में या सेहतमंदी की हालत में जो कुछ भी नेकी किया करता था उसके लिए वो सारी नेकियाँ लिखी जा रही होती हैं। आप तसव्वुर कीजिए, आप कोई भी वजीफ़ा इख्तियार करते थे, बीमार पर गए या सफ़र पर चले गए, नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला आपके उस मामूल की बुनियाद पर आपको अजर थवाब देगा। तो अगर कोई आदमी जुमा की नमाज पढ़ने का मामूल था उसका और वो हमेशा जुमा की नमाज पढ़ता था जमात से, उसी तरीके से वो पांच वक्त की नमाज़ें भी जमात से पढ़ता था और इन दिनों जमात से पढ़ने का उसको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो याद रखें जिस रब के साथ हम मामला करते हैं वो रब बहुत करीम है, हमें जुमा की नमाज का सवाब देगा अगरचे हम घर पर जोहर की नमाज अदा करें और अगरचे हम घर पर आम पांच वक्त की नमाज़ें अदा करें, लेकिन नीयत हमारी मस्जिद में नमाज अदा करने की थी, अल्लाह ताला हमें मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब देगा नियत की बुनियाद पर। बस ज़रूरत है कि हम अल्लाह के दीन पर अमल करें, कुरान की तिलावत हो, नमाज़ों की पाबंदी हो और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हम सब से इस वबा को दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।